हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सेलेक्टर में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा फाइव पॉइंटेड स्टार के सारे एंगल्स का सम निकालने का तरीका। दोस्तों, इसमें हम लोग दो अलग अलग मेथड्स हैं इसके, पांचों एंगल्स का सम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला मेथड दोस्तों, पहला मेथड है इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। यहां पर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं। तो देखिए, ये ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल इन दो एंगल्स का सम है। तो ये वाला एंगल, अगर हम लोग ए बी सी डी ई एफ और जी की बात करें, तो एंगल बी एफ जी दैट इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई। तो ये तो हुआ एंगल बी एफ जी। अब दूसरा वाला देखें, तो ये वाला फिर एक ट्राइंगल बना सी डी जी, इसका ये एक्सट्री एंगल है और इसकी वैल्यू डी और सी के बराबर है। तो एंगल बी जी एफ इक्वल हो गया एंगल सी और एंगल डी के। अब ट्राइंगल बी जी एफ की बात करें, तो इसमें तीन एंगल है, एंगल बी, एंगल बी जी एफ और एंगल बी एफ जी, इसका सम 180 है। बी जी एफ की वैल्यू सी प्लस डी है और बी एफ जी की वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल ई है। तो इस इक्वेशन में पांचों एंगल्स का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 180 है। तो फाइव पॉइंटेड स्टार के सारे एंगल्स का सम 180 हुआ। ये देखते हैं एक और मेथड, इसका दूसरा मेथड। दोस्तों, अगर हम लोग ये माने कि इसके आसपास एक सर्कल है जो पांचों पॉइंट से पास होकर जा रहा है, यहां पर ये एंगल डी इसको सेंटर मान लिया सर्कल का और इसको मिला दिया जाए, तो एंगल डी ओ ई एंगल ए का डबल है। एंगल डी ओ ई ट्वाइस एंगल ए है। एंगल बी ओ डी की बात करें तो एंगल सी का डबल है। एंगल बी ओ डी ट्वाइस एंगल सी है। एंगल ए ओ बी की बात करें तो ट्वाइस एंगल ई है। एंगल ए ओ सी की बात करें तो ट्वाइस एंगल डी है और एंगल सी ओ ई की बात करें तो ट्वाइस एंगल बी है। इन सबको ऐड कर दिया जाए, ये पांचों एंगल जो सेंटर पर बने हुए हैं, इनका सम 360 हुआ। ट्वाइस एंगल ए, एंगल सी, एंगल ई, एंगल डी और एंगल बी टू डिवाइड में चला जाएगा, तो 360 बाई टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, कैंसिल आउट करें तो 180। तो इस तरह से पांचों पॉइंटेड इनका सम 180 हुआ। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।